ओम शांति। आज के बाबा के साकार मधुर महावाक्य हैं 25 अक्टूबर 2021 के। आज बाबा ने भविष्य नई दुनिया के लायक बनने के लिए कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाए के लायक बनना है। आज मुरली का प्रश्न है, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा, ऑलराउंडर सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंडर सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजूरा अर्थात उसका फल मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। आज मुरली का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पहला, देह अभिमान की ग्रहचारी इस यज्ञ में विघ्न रूप बनती है, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अपनी पढ़ाई और सतयोगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है, श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती सिवाय बाबा के। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं कर सकते। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं, उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। आज का स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।